बजाज नगर थाना अंतर्गत लक्ष्मी नगर परिसर में सोमवार को दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। हथियारों से लैस दो आरोपी फ्लैट का ताला तोड़कर घर में घुसे। युवती को पिस्तौल की नोक पर धमकाकर जेवरात और नगद सहित 2,80,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। दिन दहाड़े रिहायशी और सुरक्षित माने जाने वाले इस इलाके में डकैती की वारदात होने से स्थानीय नागरिक दहशत में हैं। बजाज नगर और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुटी हैं। पुलिस ने उज्जवल अपार्टमेंट लक्ष्मी नगर निवासी जानवी सुधीर हिवरकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। जानवी अपार्टमेंट के पहले माले पर अपनी बहन और माँ के साथ रहती है। माँ और बहन को किसी काम से मेडिकल चौक जाना था। जानवी को सोना था, इसलिए उसने माँ और बहन को बाहर से ताला लगाकर जाने को कहा और अपने बेडरूम में आराम करने चली गई। इसी फ्लोर पर एक और फ्लैट है और वह भी बंद पड़ा था। दोपहर 12:30 बजे के दौरान दो युवकों ने सामने के फ्लैट का ताला तोड़ा। वहां आरोपियों के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद आरोपियों ने जानवी के घर का ताला तोड़ा। उसकी नींद खुली तो दो आरोपी सामने खड़े थे। एक के हाथ में पिस्तौल थी और दूसरे के हाथ नुकीला हथियार। जानवी घबरा गई। वह कुछ बोलती इसके पहले ही आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। घर में रखी सारी मूल्यवान वस्तुएं निकाल कर देने को कहा। एक आरोपी ने अलमारी खोलकर सोने के 3 मंगलसूत्र, 4 अंगूठी और 5,000 रुपए कैश सहित 2,80,000 रुपए का माल लूट लिया। आरोपियों ने जानवी का मोबाइल भी छीन लिया और उसे बाथरूम में बंद करके भाग निकले। जानवी की मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने बाथरूम में रखे कपड़े वेंटिलेशन की खिड़की से बाहर फेंके, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। आखिर पास की एक इमारत में एक व्यक्ति अपने घर की गैलरी पर सिगरेट पीने आया। जानवी की हरकत कुछ अजीब लग रही थी। उसने पड़ोसियों को जानकारी दी और पुलिस को फोन लगाया। बजाज नगर पुलिस फ्लैट में पहुंची और बाथरूम का दरवाजा खोलकर जानवी को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही DCP लोहित मतानी सहित आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया। पुलिस आसपास परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। जानवी द्वारा बताए गए हुलिये के अनुसार संदिग्ध आरोपी का स्केच तैयार किया गया है। इस स्केच को हिस्ट्री शीटर से मिलाया जा रहा है। केवल जानवी ही नहीं, उसके आसपास के नागरिक भी वारदात से दहशत में हैं। काल लक्ष्मी नगर मध्ये बजाज नगर पुलिस स्टेशन च्या अंतर्गत एका उज्ज्वल अपार्टमेंट मध्ये एका घरामध्ये हाउस रॉबरी झालेली आहे आणि त्यामध्ये एका मुलीला बंदूकची धाक दावून आरोपींनी 2.5 लाखचा मुद्देमाल घेतलेला आहे। त्यामध्ये 3 मंगलसूत्र, 2 अंगठी आणि 5,000 रुपये कॅश आहे। त्यांचे घरामध्ये त्यांची जी आई होती त्यांनी लॉक लावून ते बाहेर गेलेली होती। ते लोक चोरीच्या उद्देशाने ते घरामध्ये ते लॉक तोडून आत प्रवेश केले होते, पण ज्यावेळी त्यांनी मुलीला आतमध्ये बघितला त्यांनी त्यांना बंदूक दाखवली आणि त्यांच्याकडून त्यांनी 2.5 लाखचा मुद्देमाल घेऊन घेतला। आणि यामध्ये ते दोन सस्पेक्टेड आरोपी आहे आणि त्यांची शोध चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN न्यूज नागपूर।